Dear students, today we are going to learn do as directed. In do as directed, we will learn add a prefix or suffix to make new words. This question is asked in question number 1B. Do as directed. Okay. Let me explain this activity. In this activity, you will be given two words and asked to make new words by adding prefix or suffix. इस एक्टिविटी में आपको दो वर्ड्स दिए जाएंगे. कितने दिए जाएंगे? दो वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको दोनों वर्ड्स को या तो आप उसको प्रीफिक्स लगाइए या फिर सफिक्स लगाइए. प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के बाद एक नया लफ्ज बनेगा, एक नया लफ्ज तैयार होगा, एक न्यू वर्ड बनेगा वहां पर जिसका मानी अलग हो जाएगा. यानी अगर कोई वर्ब है तो वो नाउन बन सकता है, ओके. एडजेक्टिव है उसका अपोजिट वर्ड ले लिए तो वो भी एडजेक्टिव रहेगा. अब प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स किसे कहते हैं? एकदम सिंपल वे, आसान तरीका, आसान रास्ता उसका ये है कि जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बोलो? एबीसीडी. कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर के सफिक्स यानी क्या, प्रीफिक्स यानी क्या. तो एकदम सिंपल, प्रीफिक्स जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो पी पहले आता है. क्या पहले आता है बोलो? पी पहले आता है और एस, अरे बोलो, आता है. तो इसी लेटर से हमको पहचानना है कि प्रीफिक्स मतलब लफ्ज से पहले लगाना. प्रीफिक्स मतलब लफ्ज से पहले लगाना कोई लेटर, तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स. क्या हो जाएगा बोलो? प्रीफिक्स. पहले लगेगा वर्ड से वो प्रीफिक्स कहलाएगा और बाद में लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? सफिक्स. ओके. अब उर्दू में इसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स यानी क्या कोई बताएगा? जोर से बोलो जरा. साबिका. साबिका. प्रीफिक्स यानी साबिका. ओके. और सफिक्स यानी लाइका. अब इसका भी रूल यही है. देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज है साबिका यानी क्या और लाहिका यानी क्या. प्रीफिक्स सफिक्स तो समझ में आ रहा है लेकिन साबिका और लाहिका यानी क्या? इसमें भी वही रूल फॉलो करिए और उसी के हिसाब से उसको सोचिए कि सीन जो होता है जब हम अलिफ बा ता सा ये पढ़ते हैं तो सीन पहले कब आता है बोलो? पहले आता है. और लाम कब आता है? बाद में आता है. तो सीन से साबिका मतलब लफ्ज से पहले लगाना और लाहिका यानी बाद में लगाना. तो इंग्लिश में भी वैसा ही है. पी यानी प्रीफिक्स पहले लगाना लफ्ज से किसी लेटर को और सफिक्स यानी बाद में यानी आखिर में लगाना किसी लफ्ज के कोई लेटर को ताकि उससे नया लफ्ज तैयार हो जाए. समझ में आई आपको बात? Yes. अरे अच्छे से समझ में आया आपको? Yes. ठीक है. तो हम इन दो वर्ड्स को साबिका या लाहिका यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे. ओके. ये एक्टिविटी में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के B में डू एस डायरेक्टेड का सवाल है और एक मार्क के लिए पूछा जाता है. कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? एक मार्क के लिए पूछा जाता है. इसलिए इस एक्टिविटी को बड़े ध्यान और तवज्जो से सुनिए और इसकी प्रैक्टिस करिए. क्या करिए? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. मश्क करना इंसान को मुकम्मल कर देता है, कामिल बना देता है उस एक्टिविटी में जिसकी वो प्रैक्टिस करता है. डेवलप है यहाँ पर पहला वर्ड. ओके. इसको हम क्या लगा सकते हैं? बोलिए. वेरी गुड. सफिक्स लगाइए इसको तो क्या बनेगा वो डेवलप का? यस. रिपीट अगेन. डेवलपमेंट बनेगा. एम ई एन टी लगाकर हम उसको सफिक्स लगाएंगे और वो क्या बन जाएगा? डेवलपमेंट बन जाएगा. देखिए डेवलपमेंट. ओके. तो ये मेंट क्या है बोलो? सफिक्स है. ओके. सफिक्स है जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसी तरीके से पॉसिबल है. इसकी शुरुआत में हम लेंगे इम्पॉसिबल. पॉसिबल. ओके.
तो हमने इसको क्या लगाया पॉसिबल को आई एम इम लगा दिए है ना, तो ये इम क्या बोलो प्रीफिक्स है, क्या बोलो प्रीफिक्स है, क्या कहते हैं इसको साधक, क्या कहते हैं साधक कहते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको दो वर्ड्स पूछे जाते हैं और दोनों भी वर्ड्स एक मार्क के लिए दिए जाते हैं, आपको आपकी मर्जी चाहे आप दोनों को प्रीफिक्स लगा दो या सफिक्स लगा दो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे मुनहसर करता है, आपकी मर्जी। ओके तो समझ में आई बात, yes. ये एक्टिविटी समझ में आई आपको, yes.